आपका लिंक खत्म नहीं हुआ है। जब तक पतंग से धागा लगा रहता है आपके माथे का, पतंग आपका रहता है। समझ गए जी? जब तक ये पतंग और धागे का संपर्क रहता है तब तक पतंग आपके हाथ। जब धागा कट जाता है, डोर कट जाता है, तब पतंग श्री जाते। तो प्रेम का डोर पकड़ा गया है, हर जीव को पकड़ा के गया है, छोड़ा नहीं है। उसने उसका प्रमाण भी दिया है हर जीव के लिए। वो प्रमाण क्या है? कोई भी बच्चा मां से अलग पैदा नहीं होता, उसका नाल काटना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। काटना पड़ता अलग किसी को नहीं। प्रमाण दिया कि मैं तुम्हारा तुम्हारे साथ। अब ये निर्धारित है, आपके ऊपर भी आधारित है कि आप उस धागे को चाहे तो पुख्ता बना लें। एक मिस्त्री जो मकान बड़े बड़े महल बना लेता है, धागे में एक लट्टू जैसा लगा रहता है, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, ऐसे गोल ॐ देवराय दिगंबराय मञ्चासीनाय नमो नमः। ॐ नमो नमः गुरुजी नमो नमो नमः गुरुजी नमो नमः। ॐ नमो नमः गुरुजी नमो नमः। ॐ नमो नमः गुरुजी नमो नमः। ॐ नमो नमः भवन नमो नमः भवन नमो ॐ नमो नमो नमः बाबा नमो नमः। ॐ नमो नमः बाबा नमो नमः। ॐ नमो नमः नमो नमः नमो नमः। ॐ नमो नमः ॐ नमो नमः नमो नमः बाबा नमो नमः। जय देवराम सरकार जय जय श्री। राधे 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 राधे। आज के सत्संग में दो तीन प्रश्न आए हुए हैं, उसमें दो प्रश्न हैं। क्या चित्त भी चंचल होता है? कहते हैं कि मन चंचल है। प्रश्न में है कि क्या चित्त भी चंचल होता है? आवाज नहीं आ रही, वॉल्यूम रखो।
is going down. This is there. So, थोड़ा और करीब कर लेते आवाज आवाज आ रही है रमन जी सरकार जी आवाज आ रही है सरकार जी हाँ ठीक है चित प्रश्न है तीन प्रश्न है जिसमें लिखा है चित क्या चित भी चंचल हो सकता है चित चंचल होता है लेकिन जब चित चंचल हो जाएगा तो वो बहुत ही एक हाई लेवल ऊंचे स्तर पे जाकर के वो चंचल क्या करे गोकूप उन्होंने कहा कि मेरे नेत्र में तृष्णा अर्थात तृष्णा हो गया कैसा तृष्णा है ज्यों ज्यों देखत रूप जैसे जैसे उस परमात्मा के चिंतन में और उसके चिंतन की गहराई में उतरते जाते हैं वैसे वैसे यह चित्त और भी इच्छा करने लगे और भी उग्र हो जाता है व्यग्र हो जाता है उस चीज को पाने तो उन्होंने लिखा आगे पानी ही लागे प्यास क्या करेगा कुआं क्या करेगा अगर पानी को प्यास लग जाए जो सबका प्यास बुझाता है उसको प्यास लग जाए तो फिर कुआं क्या करेगा या नदी क्या करेगा समुद्र क्या करेगा कोई भी कुछ नहीं करेगा फिर क्या होगा ऐसी हालत एक ही अवस्था बचती है इस ईश्वर सर्वभूतान गोस्वामी जी को भी ऐसा हुआ कबीर दास जी को भी ऐसा हुआ सूरदास जी को भी ऐसा हुआ मीरा देवी को भी ऐसा हुआ नानक देव को हुआ जो संत भगवान के करीब थे उन सब को ये हुआ रविदास को नरसिंह मेहता को हुआ नामदेव को हुआ तो जो जो संत थे बाबा देवराहा बाबा सरकार को हुआ तो सभी इस दशा को प्राप्त यह दशा प्राप्त हुआ तो क्या हुआ उसका रिजल्ट क्या हुआ परिणाम क्या गोस्वामी जी ने लिख दिया उस परिणाम सिया राम मैं सब जग जानी करौं प्रणाम जोरी जुग पानी उन्होंने सभी जगह राम और सीता माता को देखा अपने जुगल सरकार के दर्शन ऐसे ही सूरदास जी ने चित देखूं तो श्याम मैं श्याम ही श्याम लखाऊं जहां देखूं वहां श्याम तो श्याम के अलावा कुछ दिखता है और यही भाव उन गोपियों को भी प्राप्त हुआ जो भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करते यही भाव
इन संतों को भी प्राप्त कर लिया। तो ये प्राप्त कब और कैसे हुआ? क्योंकि उनका चित्त चंचल, क्यों चंचल हुआ? चंचल किसको कहते हैं? एक्टिव हो, कार्यरत हो, क्रियान्वित हो, जब आपका चित चलेगा। दूर से ही रहेगा सब जी, तो सब घर पे ऑनलाइन रहेगा, सिस्टम ऑनलाइन चलेगा। लेकिन जो आ जाएंगे बाबा के दरबार में, उनका बहुत चंचल चित हो, आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको दूर से सारी सुविधा रहेगी जैसा और बनेगा जी। बाकी बाबा का आशीर्वाद कृपा। राधे राधे। जय जय श्री राधे। तो मैंने अभी बताया एक महात्मा का मैंने उदाहरण दी जी, पूरी नहीं हुई है बात। महात्मा जी घर के दूसरे पार चले, नदी के दूसरे तरफ चले। ऐसे ही संसार के मनुष्य का हाल, एक भगवान से, एक ज्ञान से उसकी संतुष्टि नहीं होती है, दूसरे पार भागती है। लेकिन उसको नहीं पता कि वहां भी वही होना है जो यहाँ हो। स्थिर होने की जरूरत है, स्थिरता लाओ और शांति से अपना जीवन को परमात्मा में लगा करके भजन करते हुए जीवन के। राधे राधे। जय जय श्री राधे। तो ईश्वर के तरफ जाए, पानी कभी ऊपर नहीं चढ़ता, नीचे की तरफ। अग्नि की लपट कभी नीचे नहीं जाती, हमेशा ऊपर की तरफ। पवन का वेग विपरीत नहीं होता, इसी प्रकार ये चित्त परमात्मा के तरफ भाग। और एक समय ऐसा आता है कि उस परम पिता परमात्मा का जो स्वरूप है, नाम है, चिंतन है, उसको प्राप्त हो जा। कोई छोटे स्तर पे कर लेता है, कोई बड़े स्तर पे कर लेता है, कोई मध्यम स्तर। जो उसके तरफ बढ़ रहे हैं उनको ईश्वर की अनुभूति होती। अब स्तर आधारित है उनके अभ्यास। किस तरह के अभ्यास? एक व्यक्ति पुराने जमाने की कहावत, एक व्यक्ति घोड़ा गाड़ी चलाता है, उस घोड़ा गाड़ी के से उसकी जीविका पालन। एक दिन वह व्यक्ति यात्रियों को लेके जा रहा था, सामने रास्ते में कीचड़ था,
गाड़ी जाकर के वहां फंस गई, रोज उस रास्ते से निकलता था, थोड़ी अड़चन आती थी निकलती। उस दिन पहिया नीचे चला गया, वो उतर गया, यात्रियों को बोला आप लोग भी उतर जाइए। यात्री बोले अरे भाई मैं इतने कीचड़ में कैसे उतरूं, तुम जैसे भी हो इसको खींचो बाहर निकालो, हमारे सारे कपड़े खराब हो। उसने बोला बाहर कैसे निकाले, घोड़ा हमारा खींच नहीं पा रहा है। कुछ लोग बोले तुम्हें हमने पैसा दिया है। एक मजे की बात बताएं जी सरकार, पुराने जमाने में पहले पैसा नहीं देते, यात्री उतरते समय पैसा देते। पुराने समय में लोग बड़े ही सात्विक शुद्ध और साफ, जिनके जेब में पैसा होता था वही छकड़े में चढ़ते थे, गाड़ी में चढ़ते थे, घोड़ा गाड़ी में चढ़ते। जिनके जेब में पैसा नहीं होती थी वो गाड़ी चलने से पहले, गाड़ी वहां पहुंचती उससे पहले पहुंच जाते थे पैदल। उनका समय दिशा और अभ्यास बहुत सुंदर, लोगों ने कहा भाई हम पैसे देने तुम्हारे उसमें बैठे हैं, हम पैसे देंगे तुम्हें। उसने हाथ जोड़ के बोला आप पैसे मत दीजिएगा, आप उतर गए। लोगों ने कहा पैसे नहीं तो ले ले पैसा अभी हमसे, हमें यहां से कर से तो निकाल दे। उसमें एक आदमी बैठा था, उसने पूछा पैसा नहीं लेगा, बोले नहीं लेंगे। उसने अपना जूता निकाला, हाथ में लिया, धोती उठाया, थैले को सिर पे रखा, उतर के खिसक के निकल लिया, जाके पांव धो लिया आगे कहीं। और लोग थे, कुछ माताएं भी होंगी, उन्होंने कहा मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, मेरे ये खराब हो जाएंगे। उसने क्या किया, उसने घोड़े को पोत दिया, बोला अब आप लोग की जो इच्छा हो करिए, अब आप लोग जब उतर जाएंगे तो मैं इसको हाथ से खींच करके घोड़े से इसको निकाल गाड़ी। एक समझदार व्यक्ति जा रहा था, उसने स्थिति देखा, उठ करके पूछा भाई क्या बात है, बोले ऐसे ऐसे बात। तो उसने बोला तू घोड़े को लगा, बोले फिर, बोले तू भी जोर लगाओ मैं भी लगा दूंगा, घोड़ा भी लग जाएगा निकल जाएगी ये। उसने घोड़ा लगा दिया टांगे में, तीनों मिलके जोर लगाने लगे, थोड़ी उठे और गाड़ी वहीं पहुंच जाए। एक आदमी उसमें से उतरा, कपड़ा उपड़ा आनंद फानंद में कस के बोला अरे हम भी। फिर दूसरा आदमी भी उतरा। तो मनुष्य के अंदर जोश की कमी हो, हमारे समाज में देखा देखी भक्ति, देखा देखी प्रेम और देखा देखी कर्म बहुत होता। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आपकी अवस्था क्या है, आप कितना उपज किए हैं, आप किस स्तर पे हैं। जितना स्तर होगा आपको उतना प्राप्ति हो। चित्त परमात्मा के तरफ जाता है और यह चित्त परमात्मा में लीन होने के लिए व्याकृत है।
चंचल होता है। आपका प्रश्न था कि क्या चित भी चंचल हो सकता है? हाँ होता है, क्यों नहीं। लेकिन सत्य मार्ग, धर्म के मार्ग, प्रेम के मार्ग, भक्ति के मार्ग, ज्ञान मार्ग, वैराग्य मार्ग, योग मार्ग, मीरा जी का चित चंचल हुआ। जब चंचल हो गया तो क्या हुआ? ऐसी लागी शरीर में दर्द होता है, कई बार पीड़ा होता है। पीड़ा कब होता है? जब आप उसको अनुभव करते हैं। सुख कब मिलता है? जब आप उसको अनुभव कर। अब मरणासन पे हो, आदमी को आप चाहे चीटी भरिए, चाहे उसको खुजली करिए, चाहे उसको गुदगुदी करिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उस अनुभव से अलग है वो। उसको कोई आपके किसी भी कार्य से उसको कोई असर नहीं है। ठीक ऐसे ही आप लोग हैं सारे बदमाश को, कितना भी ज्ञान दे दो, भक्ति दे दो, उपदेश दे दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बेहोश लोग हैं। जागो जागो भैया, नहीं जागोगे तो श्री राधे जमराज का लठ बजेगी, सीधे खोपड़ा फट जाएगा। जागो, जागृति बहुत जरूरी है। जब ये चित्त परमानंद के मार्ग में, चिदानंद के मार्ग में, सच्चिदानंद के मार्ग में, ईश्वर के मार्ग में चंचल होगा, तो मीरा की तरह कोई भी धन संपदा उसको अच्छा ही नहीं। हीरे मोती जवाहरात संपदा सब उसके लिए मिट्टी के बराबर भी नहीं है। मिट्टी से आदमी हाथ पांव तो धो लेता है, शुद्धि हो जाती है, उससे तो वो भी नहीं होने। इसलिए चित्त चंचल होता है, क्यों नहीं। गोपियों ने कहा चंचल चित निहारत मधुबन, चंचल चित निहारत मधुबन, माधव मदन। माधव मदन, ये जो चंचल चित्त है, इस आंख के माध्यम से निहारत देख रहा है चारों तरफ, इसको माधव मदन मुरारी। आओ मेरे प्रीतम प्यारे, आओ मेरे प्रीतम प्यारे, जाऊं तुम पे बारी। आओ मेरे प्रीतम प्यारे, जाऊं मैं तुम पे बारी। तो ये चंचल चित है जो इस नेत्र के माध्यम से चंचल हो सकता है, इसलिए ईश्वर को। इस कान के माध्यम से भी चंचल हो सकता है, वो माध्यम बनाएगा, वो मन को भी माध्यम बना सकता है, बुद्धि को भी माध्यम बना सकता है। और माध्यम
बनाकर, क्योंकि वो श्रेष्ठ है, ये सब निम्न है, उससे नीचे है, इनको माध्यम बना करके और अपना कार्य कर लेता। जब चंचल चित्त होगा तो फिर किसी के अधिकार में नहीं है। अगर मन चंचल होगा तो क्या करेगा पता है? आज नहीं कल चलेंगे, परसों चलेंगे, आज कल परसों परसों, परसों दिया बिताए रे, मन के आश्रित जो रहे, सब कुछ दिया नसाए रे। तो मन आज कल परसों यही करता रहा, लेकिन चित्त वो किसी के अधीन नहीं है, वो तो दीन है। और जो दीन है वो तो किसी के रुकने से नहीं चल देता। इस प्रकार से आपको बताया मैंने, चित्त चंचल होता है। अगर आपका भी हो जाए तो मैं आपके साथ में हूँ। श्री राधे, श्री राधे। लेकिन होता बहुत कम है, ये भी ध्यान रखिए। खरा हो उसी को होता है। ये जिनके स्तर ठाकुर जी से लगाव कर, जिनका गुरु महाराज जी में समर्पण बहुत सुंदर हो, जो कभी भाव भेद मोल तोल चंचल क्यों नहीं, इसीलिए तो गाया गया है, चित चोरा नंद किशोरा, चित चोरा नंद किशोरा, चित चुराए ओ मोरा, बीच बीच में और चित चोरा नंद किशोरा, चित चुराए ओ खुद चले गए द्वारिका पूरी, खुद चले गए द्वारिका पूरी, बांध गयो प्रेम को डोरा रे, बांध गयो प्रेम को डोरा रे। तो किस प्रकार से परमात्मा चित चुरा के चले और देखे क्या गया, प्रेम का डोर। देखिए इसमें भी रहस्य है, डोर अर्थ ओ तो गली गली हरी गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। मीरा जी का चित चंचल हुआ और उन्होंने लोगों ने कहा देखो अरे मीरा मीरा नाच रही है। नीलज हो गई है, राजा का नाक कटवा दिया। मुछ मुड़वा दिया, बताओ कोई भक्ति में प्रेम में नाच रहा है तो नाक कटवा, कोई शराब पी के लुढ़का हुआ है, कुत्ते आके उस पर पेशाब कर दे उसकी तो नाक ऊंचा हो रहा, गलत काम कर रहे, अन्याय करे तो ऊंचा हो रही है,
चंचल चित चंचल होता है, क्यों नहीं? जब मीरा जी का चित चंचल हुआ, सुन ले यहां, किसी का लज्जा नहीं, शर्म, हाँ शर्म था उनको, इससे जिनके चित चंचल रहते थे, और वो कौन थे? कृष्ण। बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग, वो संतों के संग जो उस परमात्मा में, जिनका चित्तवृत्ति परमात्मा में लीन है, जो राम राम करते हैं, कृष्ण कृष्ण करते हैं, दुनियादारी से दूर है, भूख लगे तो मांग के खाना, राम नाम है झोली का जाना, उनका सबसे बड़ा धन है राम। कहीं भूख लग गया, हाथ फैला लिए, खाना पानी मिल गया, जो राम भरोसे मिल गया ले लिया उन्हें, राम भरोसे दाना पानी, भोजन दे जानकी मारा। तो चंचल होता है चित, क्यों नहीं होगा? चित है, मन चंचल होता है, बुद्धि चंचल होता है, तो चित भी उसी श्रेणी में है, लेकिन वो जल्दी नहीं होता और सबके लिए नहीं होता, सत्य के लिए होता है, ईश्वर के लिए चंचल होता है। इसीलिए संतों ने कहा, अगर पानी को प्यास लग जाए तो कुआं बेचारा क्या करे, कुआं तो इतना कर सकता है कि पानी को इकट्ठा रख सकता है, उसका काम पानी का प्यास बुझाना नहीं। कोई भी नदी बह रहा हो,